हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे, आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक लेसन 14, सी लिव्ड हर ड्रीम। तो आइए शुरू करते हैं। वुमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया। भारत में औरतें काफी प्रोग्रेस अथवा तरक्की कर रही हैं। दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। तो वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि यह भी कोशिश कर रही हैं कि वो समाज में पॉजिटिव बदलाव ला सकें। सच वुमेन आर एवरीवेयर इन आवर कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इस प्रकार की औरतें आपको अपने देश में हर जगह मिल जाएंगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। तो आइए यहां पर हम लोग एक स्टोरी देखते हैं कल्पना चावला के बारे में। द होल वर्ल्ड वॉज एक्साइटेड एज कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस। पूरी दुनिया के लोग काफी एक्साइटेड थे जब कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी। पीपल वेयर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्न ऑन फेब्रुवरी 2003, बट द रिटर्न नेवर हैपेंड एज द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट जस्ट 16 मिनट्स बिफोर इट वॉज टू लैंड इन फ्लोरिडा। तो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि उनके लौटने को सेलिब्रेट किया जा सके फरवरी 2003 में, लेकिन उनका लौटना संभव हो न सका क्योंकि वो जिस यान से आ रही थी जो कि था कोलंबिया शटल, वह लैंड करने से जस्ट 16 मिनट पहले टुकड़ों में बिखर गया। मेनी होप्ड फॉर अ मिराकल। बहुत सारे लोग चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। अलास, कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन द स्पेस ट्रैवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल्स इन स्पेस एंड इन 252 ऑर्बिट्स। तो कल्पना की मृत्यु हो गई लगभग एक महीने का अंतरिक्ष में समय बिताने के बाद, जब वह वहां पर 6.5 मिलियन माइल्स की दूरी तय कर ली थी, साथ ही 252 ऑर्बिट की चक्कर लगा चुकी थी। सी नॉनथलेस लिव्ड हर ड्रीम। लेकिन उन्होंने अपने सपनों को साकार किया, सपनों को पूरा किया। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन करनाल इन हरियाणा इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली। कल्पना चावला का जन्म एक छोटे से शहर करनाल में हुआ था जो कि हरियाणा में है, और वह एक पारंपरिक मध्यम वर्ग से के परिवार से आती थी। द यंगेस्ट ऑफ फोर चिल्ड्रेन, कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन। कल्पना जो है अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटी थी जो कि टैगोर स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन वहां वह अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थी। हर लव फॉर द स्काईज एंड स्पेस बिगेन व्हेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल इन हरियाणा। तो जो उनका प्यार था आकाश से, अंतरिक्ष से, वह झलकना शुरू हो गया था जब हरियाणा में वह छोटी सी बच्ची ही थी। हर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स वेयर अबाउट स्टार्स, प्लैनेट एंड आउटर स्पेस। तो उनका स्कूल का प्रोजेक्ट्स और पेपर जो होते थे वह तारों से, ग्रहों से और अंतरिक्ष से भरे पड़े होते थे।
टीचर्स ऑफन फाउंड हर स्केचिंग एयरप्लेन्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। अक्सर उनके शिक्षक देखा करते थे कि वह एरोप्लेन का स्केचिंग बनाया करती थी जिस उम्र में लड़कियां उनके दोस्त सब खेला करते थे। वाइल हर बिजनेसमैन फादर सपोर्टेड हर व्हेन सी ज्वाइंड द फ्लाइंग क्लब, ही वाज शॉक्ड व्हेन सी चूज फ्लाइंग एज अ कैरियर। यद्यपि उनके बिजनेसमैन पिता उनका सपोर्ट किया फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन करने में, लेकिन जब उन्होंने यह सुना कि वह फ्लाइंग को ही कैरियर के रूप में अपनाने जा रही है तो काफी शॉक हुए थे, अचंभित हुए थे। ही वॉन्टेड हर टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी बेटी कल्पना एक डॉक्टर बने। कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर फादर एंड हर फैमिली टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982। कल्पना अपने पिता को और अपने परिवार को राजी कर पाई अपना नामांकन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाने में, जहां पर कि वह पहली महिला एरोनॉटिकल इंजीनियर थी 1982 में। हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, उनके माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी कर दें और सेटल कर दें। सो दे स्ट्रांगली अपोज्ड हर व्हेन सी वांटेड टू गो टू द यूएस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। अतः उन्होंने कल्पना का काफी विरोध किया जब उन्होंने डिसाइड किया कि वह यूएस जाएगी अपने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए। कल्पना वोन अगेन, परंतु कल्पना की फिर से जीत हुई। सी गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन एंड ए डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। तो उन्होंने अपना मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, जो कि आर्लिंगटन में है, वहां से प्राप्त किया और साथ ही डॉक्टरेट की उपाधि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। इट वॉज देयर दैट सी मेट हर हस्बैंड फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर जीन पियरे हैरिसन। वहीं पर उनकी मुलाकात उनके हस्बैंड, जो कि एक फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे साथ ही एविएशन राइटर थे और उनका नाम था जीन पियरे हैरिसन, उनसे हुआ। After doing her PhD in aerospace engineering in 1988, she worked as a research scientist at NASA. MS Research Center, California. जब उन्होंने अपने PhD की पढ़ाई पूरी कर ली aerospace engineering में 1988 में, तो उन्होंने research scientist के रूप में NASA में ज्वाइन किया, जो कि एमएस रिसर्च सेंटर था कैलिफोर्निया में। सी बिकेम वन ऑफ द 19% सेलेक्टेड फ्रॉम 2062 एप्लीकेंट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वह उन 19% में से एक थी जिनका सिलेक्शन 2062 एप्लीकेंट में से हुआ था, जो सब की एस्ट्रोनॉट थे। In March 1995, she reported to the Johnson Space Center. और उन्होंने मार्च 1995 को जॉनसन स्पेस सेंटर में रिपोर्ट किया। On 19 November 1997, she made her first flight in an American space shuttle for 15 days. तो 19 नवंबर 1997 ईस्वी को उन्होंने अपना पहला फ्लाइट अमेरिकन स्पेस शटल के लिए, जो कि 15 दिन के लिए था, उड़ान भरा। इट टुक हर ओनली 90 मिनट्स टू सर्कल द अर्थ। इसमें उन्हें सिर्फ 90 मिनट का समय लगा अर्थ का पूरा चक्कर लगाने में। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबेटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। तो कल्पना और उसके हस्बैंड को बहुत ही प्यार था
एरियल एरोबैटिक्स में, हाइकिंग में, बैकपैकिंग में और रीडिंग में। दाउ सी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, कल्पना डिडंट फॉरगेट हर होम। यद्यपि कल्पना ने अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया था, उन्हें मिल गया था, फिर भी कल्पना अपने घर को कभी नहीं भूली। एवरी ईयर सी पेड फॉर द ट्रिप ऑफ टू टैलेंटेड चिल्ड्रेन फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा। प्रत्येक साल वह दो टैलेंटेड बच्चों को अपने गांव से शहर से ले जाती और नासा घुमाती, उसका खर्चा देती। सी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स टू। साथ ही वह कई बच्चों के, कई लड़कियों के पढ़ाई का खर्चा भी उठाती। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूटेड द कल्पना चावला अवार्ड टू बी गिवन एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस। तमिलनाडु के सरकार ने कल्पना चावला अवार्ड बनाया और वह उन लोगों को दिया जाता है इंडिपेंडेंस डे के दिन जो कि काफी साहसी और बहादुर होते हैं। नाउ कल्पना इज नो मोर, बट हर अचीवमेंट शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम। तो अब कल्पना हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी जो अचीवमेंट्स है वह हमारे साथ रहेंगी और हमें इंस्पायर करती रहेंगी, लोगों को इंस्पायर करती रहेंगी कि वह अपने काम को करे, अपने सपनों को पूरा करे जो सपने वे लोग देखते हैं। आइए अब लेसन में कुछ वर्ड और उसकी मीनिंग को देख लेते हैं। स्पेस शटल, स्पेस शटल मीन्स अंतरिक्ष शटल। एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। मिराकल, मिराकल मीन्स चमत्कार। ऑर्बिट, ऑर्बिट मीन्स ग्रह पथ। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक। स्केचिंग, स्केचिंग मीन्स नक्शा बनाते हुए। इंस्टेड ऑफ, बदले में। एरोनॉटिकल, एरोनॉटिकल मीन्स वैमानिक। एविएशन, एविएशन मीन्स विमानन अथवा वायुयान संबंधी। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मीन्स उपदेशक। रिसर्च, रिसर्च मीन्स अन्वेषण। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री। हाइकिंग मीन्स आनंद के लिए लंबी पद यात्रा करना। बैकपैकिंग, बैकपैकिंग मीन्स यात्रा की तैयारी। टैलेंटेड, टैलेंटेड मीन्स गुणी। इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड मीन्स आरंभ किया, प्रचलित किया। आइए अब दो चार क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड कल्पना चावला नेवर रिटर्न फ्रॉम द स्पेस। आंसर होगा, कल्पना चावला नेवर रिटर्न फ्रॉम द स्पेस एज कल्पना चावला शटल ब्रोक अपार्ट बिफोर लैंडिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड कल्पना लाइक टू डू एज अ चाइल्ड। आंसर होगा, कल्पना लाइक टू स्केचिंग एरोप्लेन्स एज अ चाइल्ड। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज जिन पेरी हैरिसन। आंसर होगा, जिन पेरी हैरिसन वाज हर हस्बैंड। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड कल्पना मेक हर फर्स्ट फ्लाइट इन द स्पेस। आंसर होगा, कल्पना मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन द स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड कल्पना एंड हर हस्बैंड लाइक टू डू। आंसर होगा, कल्पना एंड हर हस्बैंड लाइक्ड टू डू एरियल एरोबिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड कल्पना एंड अनयूजुअल चाइल्ड। आंसर होगा, हर लव फॉर द स्काइज एंड स्पेस मेड कल्पना एन अनयूजुअल चाइल्ड। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जोश जोश सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
दूसरों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।